नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कन्या राशि वालों मित्रों, दिनांक 4 अक्टूबर 2023 से आपके जीवन में एक बड़ी ही विचित्र घटना घटने वाली है, जिसे देखकर मित्रों आपकी भी आंखें चार हो जाएगी, आप भी दंग रह जाएंगे। इस वीडियो को मित्रों अंत तक ध्यान से देखिएगा और बीच में वीडियो को छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आइए, सबसे पहले अगर हम नजर डालते हैं पंचांग पर, तो आप सभी को बता देते हैं कि मित्रों 4 अक्टूबर को बुधवार का वार है, साथ में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की मित्रों षष्ठी तिथि है, एवं वहीं इस वक्त रोहिणी नक्षत्र का निर्माण हो रहा है, जो कि बड़ा ही शुभ नक्षत्र है, एवं वज्र नामक योग भी बन रहा है, जो कि बड़ा ही शुभ योग है मित्रों। और अगर सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य तो वृषभ राशि में ही विराजमान रहेगा, लेकिन दूसरी ओर चंद्रमा जो है वह इस वक्त वृषभ राशि में संचार करेगा। तो अब ऐसे में अंतरिक्ष में उपस्थित समस्त ग्रहों की चाल का एवं नक्षत्रों की चाल का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन से शुभ समाचार आपको सुनने को मिलेंगे, कौन से अशुभ समाचारों की प्राप्ति आपको होगी, क्या सावधानियां आपको बरतना पड़ेगी और किन चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा, समस्त बातें समस्त ग्रह गोचर की चाल के आधार पर हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए मित्रों, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, लाइक करना बिल्कुल निशुल्क है। और कमेंट बॉक्स में मित्रों 3 बार ओम गणेशाय नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा, गणेश जी महाराज आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो आइए मित्रों, अब आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना बात करते हैं आने वाले 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की। मित्रों समय बहुत शुभ चल रहा है, इस वक्त आपको ध्यान रखना है कि बेकार के विवादों में पड़कर अपने वक्त को जाया ना करें, क्योंकि आपका वक्त बहुत कीमती है मित्रों। अगर आप फिजूल में इस व्यर्थ को इस वक्त को गवा देंगे तो दिक्कत हो सकती है आगे चलकर। महत्वपूर्ण कामों को समय रहते निपटाने की सलाह दी जाती है, ऐसा इसलिए मित्रों क्योंकि आप जरूरी काम अगर समय रहते निपटा लेंगे तो फिर आप स्वयं के लिए भी वक्त निकाल पाएंगे और परिवार के लोगों के लिए भी वक्त निकाल पाएंगे। आपने पिछले समय में यही गलती की थी कि जरूरी कामों को छोड़ दिया था और अपने वक्त को बर्बाद किया था, जिसकी वजह से आपके ऊपर काम का बोझ भी बढ़ गया था। इस वक्त आपकी उपस्थिति आपके परिवार में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ मित्रों, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जी हाँ, तो परिस्थितियाँ अगर पलट रही है, विपरीत जा रही है, तो परेशान ना हो। हो सकता है कि नसीब में ऐसे दिन भी देखने को लिखे थे, तो मित्रों देख रहे हैं। और आध्यात्मिक बातों की तरफ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आध्यात्मिक बातों की तरफ आप ध्यान देकर मित्रों अच्छे से आप समय व्यतीत कर पाएंगे और आपके मन को शांति मिलेगी और आपके मन को सुकून मिलेगा। जो जातक इस वक्त ग्रह दोष के कारण परेशान हैं, उन जातकों के जीवन में मित्रों खुशियाँ आएगी, क्योंकि ग्रह अपनी चाल बदलेंगे और जब ग्रह चाल बदलेंगे तो मित्रों परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाएगी। जो लोग खुद का मकान खरीदने की सोच रहे हैं, उन लोगों को अचानक कहीं से पैसा प्राप्त होने वाला है, और जब पैसा अच्छी मात्रा में प्राप्त होगा मित्रों, तो फिर परिस्थितियां भी बहुत ही बढ़िया बनेगी।
एक चीज का ध्यान रखिएगा कि कागजी कार्यवाही करते समय हर किसी के ऊपर आप जो आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, कभी कभी यही आपकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। इसलिए एक एक कागज को सुव्यवस्थित तरीके से पढ़ें, उसके बाद ही आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं। मित्रों, आप में थोड़ी सी कमी है तो एकाग्रता की, आप कहीं भी अपना ध्यान फोकस नहीं कर पाते हैं, आपका मन चंचल है, इधर उधर की बातों में सबसे ज़्यादा भटकता है, जिसकी वजह से आप हर बार दिक्कत महसूस करते हैं। मित्रों, आइए कुछ चमत्कारी उपाय हम आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बहुत से जातक और उनका परिवार जरा सी बाधा आने पर परेशान हो जाते हैं। तो मित्रों, गुरु ग्रह पीड़ित होने पर ऐसा होता है। महादेव पर उंगली से सफेद चंदन से ओम नित्य लिख दें तो खुशियों की स्वर्णिम आभा तय मानिए मित्रों। हाँ, हर किसी के जीवन में परेशानी आती है, लेकिन यह उपाय हमने आपको बताया है जिससे घर में शांति बनी रहेगी और कोई व्यक्ति किसी चीज़ से दुखी नहीं रहेगा, परिवार भी मस्त रहेगा। वहीं मित्रों, यदि आपकी कोई मनोकामना है और पूरी नहीं हो रही है तो ध्यान से सुनिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रतिदिन मात्र चावल के 4 साबुत दाने शिवलिंग पर चढ़ाएं। ध्यान रखिए कि ये चावल बिल्कुल भी टूटे फूटे या खंडित ना हो। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होकर भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं मित्रों। वहीं एक और छोटा सा उपाय यह भी है कि यदि आप जीवन भर के लिए अपने घर में समृद्धि लाना चाहते हैं तो अपने घर के मंदिर अथवा पूजा स्थल में चावलों की ढेर पर माँ अन्नपूर्णा की स्थापना करें। इससे प्रतिदिन विधिवत तरीके से पूजा करें, यह एक उपाय सारी गरीबी दूर कर देता है। तो वीडियो की समाप्ति अब यहीं पर होती है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मित्रों हर हर महादेव अवश्य ही लिख दीजिएगा और दैनिक राशि फल एवं रोजाना ज्ञानवर्धक वीडियो की प्राप्ति के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अभी जुड़ जाइए।